ट्रीज पौधे। तुम सभी लोग जानते हो कि हमारे चारों ओर पौधे हैं और इसमें राइटर जो हैरी बेहल है उन्होंने लिखा है कि पौधे किस प्रकार के हैं और वह उन्होंने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। देखते हैं और इस पोएम को लर्न करना है और इसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। पौधे सबसे दयालु वस्तुएं हैं हम लोग जानते हैं। पौधे सबसे दयालु वस्तुएं हैं हम लोग जानते हैं। दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो। वे हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते और साधारणतया बढ़ते हैं। एंड स्प्रेड अ सेड फॉर स्लीपी काउज, और उनींदी गायों के लिए छाया प्रदान करते हैं। अ गेदर बर्ड्स अमंग दियर बर्ड्स, और चिड़िया एकत्र होकर अपने घोंसले बनाती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि पौधे हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, कि पौधे हमें उनींदी गायों के लिए छाया प्रदान करते हैं, वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और चिड़िया एकत्र होकर अपने घोंसले बनाती हैं। दे गिव अस फ्रूट एंड लीव्स अबव, वे हमें फल और पत्तियां देते हैं। एंड वुड टू मेक अवर हाउसेज ऑफ, और घर बनाने के लिए हमें लकड़ी प्रदान करते हैं। एंड लीव टू बर्न ऑफ हालोवीन, और पत्तियां त्यौहार अमेरिका और कनाडा का एक त्यौहार, उसमें भाई पत्तियों का प्रयोग होता है और आपके यहाँ भी हवन वगैरह होता है तो उसमें भी हम पत्तियों का प्रयोग करते हैं, आम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। एंड लीव टू बर्न ऑन हालोवीन, और पत्तियों को अमेरिका या कनाडा के त्योहारों में जलाया जाता है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और बसंत ऋतु में ये कलियाँ हरी कलियाँ हो जाती हैं। दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन, वे प्रथम है जब दिन प्रारंभ होता है। टू टच द बीन्स ऑफ मॉर्निंग सन, और वे सूरज की किरणों को प्रातः काल छूते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और वे अंत तक रहते हैं और प्रकाश को ग्रहण करते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और जब शाम रात में बदलने लगती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब आकाश में चंद्रमा तैरता है। दे हम अ डोसी ललबाई, और वे एक मधुर लोरी गाते हैं। आर स्लीपी चिल्ड्रेन लॉन्ग एगो, जो देर से बच्चे सोए हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, पौधे सबसे दयालु चीज़ें हैं हम सभी लोग जानते हैं। तो प्रिय बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से पौधे हमें विभिन्न चीज़ें प्रदान करते हैं और वे सभी हम सभी लोग उन पौधों पर ही निर्भर हैं। वे हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ, खाने के लिए फल दवाइयाँ, और चिड़ियों और जानवरों को भी शरण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, और ऑन द नेक्स्ट डे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें क्वेश्चन आंसर और मीनिंग ये भी सभी कंप्लीट हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि आप इनको भी लर्न कर लेंगे। थैंक यू।